नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज़ फाउंडेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से, जहां पर राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर के बिहार से एक नाम का ऐलान हो गया और मनन कुमार मिश्रा जो बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष के पद पर इस वक्त काबिज हैं, बिहार के गोपालगंज से आते हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है इन उपचुनाव में। बता दें कि दो सीटें खाली हुई हैं बिहार में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक सीट विवेक ठाकुर की वजह से जो कि अब नवादा के बीजेपी से सांसद हो गए, तो दूसरी तरफ मीसा भारती जो कि आरजेडी की राज्यसभा की सांसद थी और वो पाटलिपुत्र सीट से चुनाव जीत करके आई हैं। तो इन दोनों सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये दोनों सीटें संख्या बल के और नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है वो एनडीए के पाले में जा रही है। तो बीजेपी ने इन दोनों सीटों पर दावा ठोका है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा जो हैं नामांकन करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी या फिर सामूहिक तौर पर जदयू ने भी उनको समर्थन दिया है और ये दोनों जो है वो प्रत्याशी होंगे। तो दूसरी तरफ इंतजार था कि दूसरे सीट से कौन जाएगा, कई नाम रेस में थे इन तमाम चीजों के बीच में। अब मनन कुमार मिश्रा जो है उनको जो है टिकट मिला है और वो जो है अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद जो है अलग अलग राज्यों में होने वाले जो राज्यसभा के उपचुनाव हैं उनके कुल 9-10 प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें असम के से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में मनन कुमार मिश्रा को, हरियाणा सीट से किरण चौधरी को जो है उम्मीदवार बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया गया है। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि ओडिशा से ममता मेहता को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान की एक सीट पर रवनीत सिंह जो बिट्टू हैं उनको मौका दिया गया, जबकि त्रिपुरा की एक सीट पर राजीव भट्टाचार्य जी को जो है मौका दिया गया। ये वो सीटें हैं जहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ के जो सिटिंग जो राज्यसभा के सांसद थे वो अब जो है वो लोकसभा के सांसद हो गए हैं, तो सीट खाली हुई थी और वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों की वजह से जो है बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के नाम चल रहे थे, उसमें से इन नामों पर मोहर लगी है। बिहार के गोपालगंज निवासी सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा फिर से बार काउंसिल के जो है वो चेयरमैन बने थे। वो छठी बार चेयरमैन बनकर के उन्होंने इतिहास रचा था। इसके पहले राम जेठमलानी और वीसी मिश्रा जो हैं बीसीआई के सिर्फ दो बार चेयरमैन ही बन सके हैं। पहली बार जो है मनन मिश्रा अप्रैल 2012 में बीसीआई के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे, इसके बाद जीत का सिलसिला लगातार जारी है। मिश्रा ने 1980 में पटना लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री लेकर के गोपालगंज सिविल कोर्ट में वकालत की शुरुआत की थी। वो अपने बैच के टॉपर व गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। गोपालगंज में एक साल वकालत करने के बाद उन्होंने 1982 में पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। पहली बार 1989 में बिहार स्टेट बार काउंसिल सदस्य बने, तब से वो लगातार अब तक काउंसिल सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं। इसी बीच 2007 में उन्हें सीनियर वकील बनाया गया। पहली बार 2010 में बीसीआई में स्टेट बार काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए। मनन मिश्रा कई बार चर्चा में भी रह चुके हैं। एक वाक्य है जब सुप्रीम कोर्ट में के चार सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उठे विवाद पर इन्होंने जिस प्रकार से जजों का साथ दिया था उससे देश में बीसीआई का जो कद है वो काफी बढ़ गया था। पूर्व मुख्य जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में बीसीआई ने जब सीजीआई का साथ दिया तो बीसीए पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन बीसीए आई ने इसका पुरजोर मुकाबला किया। हाल के दिनों में दिल्ली में पुलिस वकील विवाद को समाप्त करने में भी इनकी अहम भूमिका जो है वो मानी जाती है। बिहार से के रहने वाले हैं, अपने वक्त में या फिर अपने प्रोफेशन में जो है शानदार परफॉर्म करते रहे हैं, लगातार बीसीआई के जैसे प्रमुख पदों पर जो है वो जीत दर्ज कर रहे हैं और उनको बीजेपी ने जो है बिहार से राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।